देहरादून के मित्रलोक कॉलोनी में हुई हत्या का राजधानी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्यारोपी शिवा को अरेस्ट कर लिया है। बताते चले कि शुक्रवार की रात चौरखाला के मित्रलोक कॉलोनी में राजमिस्त्री अनिल की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। राजधानी पुलिस लगातार फरार हुए आरोपी की तलाश में जुटी थी और लगभग पुलिस ने 280 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। मामले में कल पुलिस को सफलता मिली। कल देर शाम पुलिस ने आरोपी को डाकरा से अरेस्ट किया है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि मृतक और आरोपी का अक्सर विवाद रहता था और शुक्रवार को उसकी विवाद के चलते आरोपी ने अनिल की हत्या कर दी थी। एसपी सिटी ने कहा कि आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू बरामद कर लिया है। सोलह तारीख को थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत मित्रलोक कॉलोनी से एक जो कंप्लेंट हमारे पास आई, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उसके जब वो घर पहुंची तो उसे जो है उसका पति जो है मृत अवस्था में मिला, तो उसे जो है जो उनका पड़ोसी है उस पर शक है कि वो उनकी हत्या करके फरार हो गया। तो इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और लगातार हम लोगों ने जो टीमें गठित की, टीमों द्वारा जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, क्लूज पर आगे काम किया और 17 तारीख को कल शाम को आरोपी की गिरफ्तारी की गई।